भारत ने एशिया कप के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम का चयन देश की धरती पर होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर किया गया है। दो चोटिल क्रिकेटर श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल की भारतीय टीम में वापसी हो गई है। तिलक वर्मा टीम में नया चेहरा है। संजू सैमसन को रिजर्व क्रिकेटर के तौर पर रखा गया है। बीसीसीआई चयन समिति की सोमवार को बैठक हुई। वहां पांचों चयनकर्ताओं के अलावा टीम के कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित मौजूद थे। वह बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अधिकारी भी थे। उन्होंने घायल क्रिकेटरों की शारीरिक स्थिति की जानकारी दी। बाद में अगरकर और रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की घोषणा की। एशिया कप के लिए भारतीय टीम, भारत की 17 सदस्यीय टीम, रोहित शर्मा कप्तान, विराट कोहली, शुभमन गिल, लोकेश राहुल विकेटकीपर, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या उपकप्तान, रविंद्र जडेजा, यशप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ईशान किशन विकेटकीपर, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा, संजू सैमसन रिजर्व। ये भारतीय टीम है। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये टीम इंडिया एशिया कप जीत सकती है? कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट की ऐसी ही नियमित खबरें पाने के लिए इस क्रिकइंफो हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।